गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आप सभी का वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। यार तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज किस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यार जो है आपको जो यहाँ पे रशिया में स्टूडेंट वगैरह आते हैं तो स्टूडेंट हेल्प इन रशिया तो कैसे क्या हेल्प वगैरह होती है तो वो मैं बताता हूँ। वीडियो को कम्प्लीट देखना यार, इन्फॉर्मेशन रहने वाली इसके अंदर। तो चलो बाकी आसपास का वेदर वगैरह चेकआउट करो, उसके बाद जो है आगे मिलता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ वेदर है सामने, और ऊपर देखो आसमान बादल वगैरह ऐसे हैं तो सही है यार। चलो कोई नहीं, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह हैं और इस साइड ये दूसरी है और साइड में जो है सबवे है। यहाँ पे सबवे खा सकते हो, सबवे चलता है अभी, ठीक है। उधर वाइल्ड ब्रिज है और सेवदोर है, मतलब काफ़ी स्टोर वगैरह जो है काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हो। बात करते हैं कि अगर आप देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट हो रशिया में, जो स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको जो एक हेल्प वगैरह चाहिए ना, वो मैं बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट को यहाँ पे आने के बाद क्या क्या हेल्प जो है वो चाहिए होती है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। बात करते हैं यार आगे, तो बात करते हैं जो स्टूडेंट आता है यहाँ पे एक हेल्प क्या होती है। मेरे अकॉर्डिंग जो एक स्टूडेंट को हेल्प लगती है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो सबसे पहले उसको चाहिए होता है सिम कार्ड का चाहिए होता है। उसे जो है वो जैसे सिम कार्ड मिलता है उसको, उसके बाद उसको चाहिए होता है कि भाई रहने का मतलब ठिकाना, अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन वगैरह। फिर उसके बाद जैसे अकोमोडेशन मिल गया, फिर सिम कार्ड मिल गया, फिर उसको चाहिए होता है कि भाई अपना जो है खाने पीने का कैसे क्या सामान जो है वो मैं करूँ। तो खाने पीने का, जैसे खाने पीने का होता है फिर उसको चाहिए ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कार्ड वगैरह जो यहाँ पे चलता है मॉस्को के अंदर। तो जो रशिया के अंदर आप कोई सी भी सिटी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मॉस्को में हो, सेंट पीटर्सबर्ग में, दूसरी सिटी जा रहे हो, तो वहाँ के लिए भी ट्रांसपोर्ट कार्ड चाहिए। तो जैसे ट्रांसपोर्ट कार्ड बन गया उसके बाद उसको चाहिए गाइडेंस कि लोकल यहाँ पे कौन से मैप चलते हैं, कौन सा क्या कैसे सामान यूज लेना है, कौन सा खाना खाना है, कितने किसकी टाइम के हिसाब से खाना खाना है, तो मतलब सारा खाने पीने का। फिर उसके बाद उसको जो है एक बार यूनिवर्सिटी में लेके जाना और साथ में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करवाना, क्लासेस का टाइम वगैरह सही करवाना, तो वो होता है। उसके बाद जैसे उसकी जैसे क्लासेज वगैरह लग जाती है, उसके बाद होता है उसका जॉब वगैरह का, मतलब जॉब फाइंड आउट करना यहाँ पे और जो है आगे अपना जो है उसको सेटल वगैरह करवाना। तो मतलब ये जॉब तक मैं लास्ट तक आती है, जॉब तक और बैंक अकाउंट वगैरह खुलने तक यहाँ पे। तो देखो ये यहाँ पे ऐसी बात आती है, तो ये एक पूरी हेल्प होती है कि अगर स्टूडेंट आता है, देखो हम भी आए थे किसी टाइम पे और अभी आने वाले हैं और भी स्टूडेंट आएंगे, तो देखो जिनको भी मतलब आप जो है अगर आना है यहाँ पे तो ये हेल्प चाहिए। बाकी देखो अपना जो है मैं भी काम करता हूँ, कंसिस्टेंसी भी है, मतलब साथ में मिलकर काम करते हैं तो जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैसे ऑफिस वगैरह थोड़ा रेडी नहीं हुआ है, जैसे ही रेडी वगैरह होता है मैं प्रॉपर आपको एड्रेस भी दूंगा, आप जा सकते हो वहाँ पे और आप कुछ भी डाउट हो वहाँ पे पहुँच के आ सकते हो। वीज़ा वगैरह लगवाना है आप जो है वहाँ पे भी दे सकते हो, ऑफिस में भी अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हो या फिर जो है आप मेरे को भी दे सकते हो। तो बाकी मैं नंबर दे देता हूँ, भाई मेरे से पूछते हैं कि एड्रेस, मैं नंबर दे देता हूँ वहाँ के, तो आप एक बार जैसे चल रहा है यार काम वहाँ पे, जैसे ऑफिस वगैरह सही होता है अपना, मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो मतलब जैसे ही सही होता है अपना डिज़ाइन वगैरह और अच्छे से करते हैं अपना, उसके बाद मैं प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस दे दूंगा, आप उसके अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी और वो कर सकते हो। बाकी देखो जो स्टूडेंट आ रहे हैं, देखो वीज़ा वगैरह हम भी लगवाते हैं, मतलब मैं लगवाता हूँ, स्टडी वीज़ा है और भी अभी आने वाले टाइम के अंदर और भी जो वीज़ा स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी स्टडी वीज़ा में मैं बताता हूँ, अभी मतलब जो स्टूडेंट अपने थ्रू आते हैं तो देखो कभी एक दो बार ऊपर नीचे हो जाते हैं कि मनपसंद जैसे ना हो, फॉर एग्जाम्पल पूरी कोशिश रहती है कि भाई एक स्टूडेंट आता है तो उसको एयरपोर्ट पर लेके जाना, उसका सिम कार्ड खुलवाना, बैंक अकाउंट खुलवाना, हॉस्टल फाइंड आउट करना, फिर उसका यूनिवर्सिटी का काम करवाना, फिर जॉब वगैरह का करवाना। देखो जॉब वगैरह के लिए ऐसे सिस्टम है यहाँ पे भाई, डॉक्यूमेंट वगैरह जो है आप वो जो है सेंड करो और ट्रांसलेट वगैरह करवाने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे रशियन लैंग्वेज चलती है, तो वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करवाना, तो मतलब एक पूरी जो हेल्प है वो करते हैं स्टूडेंट की बिल्कुल स्क्रैच से, कि भाई इंडिया से आ रहा है स्टूडेंट तो उसको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको लगना नहीं चाहिए कि भाई मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो मतलब बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग से वो प्रोसेस करवाता है और जब तक उसका एंडिंग प्रोसेस होता है तो उसके अंदर जो है सारा मतलब पूरी जो है हेल्प करते हैं हम, जो है वो हेल्प करता हूँ मैं। थोड़ा देखो बोलता हूँ कि 1 महीने में हो जाएगा, थोड़ा वो एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं बिकॉज क्योंकि आपको भी पता है यार एम्बेसी का काम है, अपने अपने आदमी तो होता ही नहीं पासपोर्ट वगैरह वीज़ा के लिए, तो वो उनके ऊपर डिसीजन होता है, तो लेकिन आ जाता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात है, बाकी देखो आप भी लगवा सकते हो स्टडी वीज़ा पूरा जेन्युइन 100%। मैं भी ये कहता हूँ भाई जहाँ से आपकी मर्जी है कहीं से डॉक्यूमेंट चेक करवाओ, मेरे को कोई वो नहीं है क्योंकि देखो काम जेन्युइन है तो कोई दिक्कत भी नहीं है।
और बाकी अगर कोई जो वीडियो देख रही है मेरी, कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी अगर वो करना चाहते हैं साथ में, तो आपका वेलकम है। मैं जो है नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी अब बता दूँ आपको कैसे क्या है सारी चीज़ें, तो A to Z चीज़ें सारी प्रोसेसिंग में जो है वो है। और अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मतलब थोड़ी दिक्कत आती है लैंग्वेज वगैरह की। भाई एक बार हमें दिक्कत आती है कि जैसे कई यहाँ पे क्या है, कई दूसरे कंसिस्टेंसी के थ्रू आते हैं, तो कई क्या करते हैं यार, उनको एड्रेस वगैरह प्रॉपर पता नहीं होता, तो कई बार आगे चले जाते हैं, फिर फ़ोन करते हैं कि भाई कैसे क्या है। तो देखो सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं हमेशा मतलब बैठा रहता हूँ कि आपका मैसेज आएगा मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि यार मेरे को मेरे काम होते हैं और जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो मेरे स्टूडेंट हैं जो अपने थ्रू आए उनका हेल्प करनी होती है। बाकी हेल्प मैं सभी की करता हूँ, ये नहीं सोचता कि मेरे से फाइल लगवाई नहीं, इसने लगवाई है, दूसरे के थ्रू तो हेल्प नहीं करूँगा, नहीं देखो ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जो प्रेफरेंस रहती है ना, वो तो भाई अपने स्टूडेंट की रहेगी कि हाँ भाई उसको कोई दिक्कत नहीं हो। तो कोई नहीं यार, बाकी आपका मर्जी है, मेरे नंबर आ रहे हैं, कुछ भी पूछना हो रशिया के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पूछ सकते हो। और कुछ भी अगर आपको काम वगैरह करना है, देखो मेरा ये मानना है पैसे कमा रहे हो सभी कमाओ, आप भी कमाओ मैं भी कमाऊंगा, और जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आता है यार, पता है सभी को। तो मतलब मिलजुल के आपस में जो है सारे एक दूसरे की हेल्प करके, काम बड़ा करके, बिजनेस करके, जो आपस में मतलब एक दूसरे के साथ मिलके खड़े रहो और कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अगर कुछ भी आपको पूछना हो, डाउट वगैरह आ रहे हो, तो मेरे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, जो है कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया, बाय बाय।